शाही मार्केट में रोस्टर का उल्लंघन करके दुकान खोलने वाले चार दुकानों को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन के द्वारा सभी दुकानों के लिए रोस्टर बनाया गया है और समय निर्धारित किया गया है। सूचना मिल रही थी कि शाही मार्केट में रोस्टर का उल्लंघन कर दुकानें खुल रही हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, जिसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाही मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक और लैपटॉप की दुकानें खुली पाई गईं, जो कि आज रोस्टर में नहीं है। चार दुकानों को सील कर दिया गया और सभी दुकानदारों को यह बताया गया कि रोस्टर का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोई भी दुकानदार रोस्टर तोड़कर दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, इतनी ज्यादा यहाँ पे दिवाली फैल चुकी है, फिर भी आप अगर रोस्टर का पालन नहीं करेंगे तो हर दिन ये और बढ़ता जाएगा। अपनी दुकानों के आगे भीड़ लगाना, नियत समय में दुकानें ना खोलना, हर दिन दुकानें खोलना, ये तो गलत है। कितने लोग वहां तक खड़े हैं सब, अगर यहाँ पे अपनी दुकानों को खोलना तो तभी खड़े जाए, अनावश्यक कोई भीड़ ना लगाए। नौ के पहले वाले हाई वाले जैसे ही हो सकते हैं दिन नहीं होता कि दो दिन बंद करके खोल दो एक दिन बाद, ये तुम्हारा वो है डीएम साहब बंद कर जो डिसाइड हो। ये गलती ना करना, दुकान सील है तो फिर खोलने कुछ करना है, तेरे जेल होता है 7 साल जेल होती है। देखिए, रोस्टर निर्धारित किया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि कौन सी दुकानें किस किस दिन खुलेंगी और इसके अलावा क्या समय है, ये भी निर्धारित किया गया है। इसका विस्तृत आदेश निर्गत किए जा चुके थे। इसी क्रम में शिकायत मिल रही थी कि शाही मार्केट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जो हैं और लैपटॉप्स की दुकानें हैं वो रोस्टर के विपरीत भी खोल रहे हैं और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज औचक निरीक्षण शाही मार्केट में किया गया और रोस्टर के हिसाब से आज वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और लैपटॉप की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी, फिर भी वहाँ पे दुकानें खुली पाई गई। तो उसी जांच में चार दुकानों को तत्काल सीज कर दिया गया है और उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उन दुकानों में ग्राहक भी पाए गए, साथ साथ दुकानदार भी दुकान खुले हुए थे, तो इसलिए उस पर कार्रवाई की गई है। आगे उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
जो बाकी दुकानें सबको निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से जो रोस्टर है उसका उल्लंघन ना करें, उसका पूरी तरह से अनुपालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बारे में जो बताया गया है, बार बार बताया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से और आपके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि उसका पालन करें और अपनी दुकान के अगर आवश्यक भीड़ ना लगाएं, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और दुकानों के बाहर गोले बनाएं और ज़्यादा लोग की एंट्री ना करें, तो ये सब चीज़ें उनको पालन करना होगा और अगर वो पालन करते नहीं पाया तो उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।